जैसे ये कॉम्बो बॉक्स है मेरे पास डे का, ठीक है। सोर्स में हम क्या करेंगे, इसका नाम है जे कॉम्बो बॉक्स टू, कंस्ट्रक्टर है मैंने, मॉडल बनाया से लेके 31 तक, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ लेंथ वाला किस चीज से, लूप के अंदर जैसे लीप ईयर बीच में आ जाए। हाँ हाँ, मैं लेंथ ऑफ मंथ वाला लग सकता हूँ। अब इसमें मैं भी ऐड कर रहा हूँ मॉडल डॉट ऐड एलिमेंट, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई जे कॉम बॉक्स डॉट सेट, ये तो जस्ट इसमें आइटम्स को ऐड कर देगा। ये फर्स्ट काम हो गया हमारा। यहां से 1 to 31 ऐड हो गया हमारा, सही। अब मुझे सिलेक्ट वो करना है जो करंट डेट हो, तो पहले तो मैं करंट डेट पिक कर लू, लोकल डेट इक्वल टू लोकल डेट डॉट नाउ। अब फॉर्मेटर से आपने ये फॉर्मेटर से कर देता हूँ, डेट टाइम फॉर्मेटर डी। एफ डॉट फॉर्मेट डी, ये मेथड हमें रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देता है डी। ऐसे ही ये अगर मैं प्रिंट कराता हूं, ये प्रिंट करेगा आज का डे 9, ये प्रिंट ऐसे करेगा। सर इसको तो प्रिंट कराना ना, ऐड करवाना। हाँ प्रिंट नहीं कराना, प्रिंट ये करेगा अगर करवाऊ, ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू आ गई। अब मुझे सिंपल क्या करना है, जे कॉम्बो बॉक्स टू डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम एस। अब इसमें क्या होगा कि जो डेट है वो सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर मौजूद सारी है इसमें, सही है। ये इस तरह से हो जाएगा, मंथ का भी इस तरह होगा, ईयर का भी इस तरह होगा, सही है। सेट करना सिलेक्टेड बस। तो ये तो था कॉम्बो बॉक्स हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमने देखा था ना कल, दो लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स, ये तो इनिट कंपोनेंट के लिए कंस्ट्रक्टर है। हाँ ये कंस्ट्रक्टर है, ये वाला न्यू जे फ्रेम, इसके नीचे जो भी काम करेंगे वो डायरेक्ट फ्रेम पे आ जाएगा, उसकी जगह पर सबसे पहले वो चलेगा, सबसे पहले वो चीज चलेगी जो यहाँ करेंगे इनिट कंपोनेंट के बाद। सर वैसे जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए कोई कोई चीज मतलब बटन वगैरह प्रेस कर, प्रेस करनी है बिल्कुल, और ये ऑटोमेटिक चलेगा, सही। अब मैं लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स के बाद ऑप्शन है हमारे पास टेबल, टेबल के ऊपर हम डेटा किस तरह ऐड करते हैं कि अभी इस पे मैंने ये राइट क्लिक करके टेबल कंटेंट में चेंज करके दिखाए थे आपको, अब हम इसको इस तरह नहीं कर रहे हैं, हम सोर्स कोड से टेबल को डेटा देंगे ताकि बाय डिफॉल्ट को डेटा आ रहा हूं, यहां पर बाय डिफॉल्ट इस तरह आ रही है, हम इस तरह नहीं चाहते इसमें। इसके लिए आपका बनेगा डिफॉल्ट टेबल मॉडल, वो थे डिफॉल्ट कॉम्बो बॉक्स मॉडल, डिफॉल्ट लिस्ट मॉडल, इसके लिए बनेगा डिफॉल्ट टेबल मॉडल। यहां मैं बटन पे काम कर लेता हूं पहले, लोड का एक बटन बना देते हैं के बटन पे डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इसमें कोई हम टाइप नहीं देंगे क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का डेटा होगा, एक टाइप का नहीं होता, तो ये डायरेक्ट ऐसे बनेगा मॉडल इक्वल टू मी ऑफ डिफॉल्ट टेबल मॉडल, मॉडल बन गया इसमें टाइप नहीं, क्योंकि टाइप एक नहीं होगी ना, उसमें अलग अलग डेटा होगा,
मॉडल के बाद इसके ऊपर हमें टेबल में दो चीजें होती हैं, कॉलम्स और रोज। तो पहले हमें कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, कॉलम्स बताने पड़ेंगे कौन कौन से कॉलम्स। कॉलम्स ऐड करने के लिए इसका मेथड है मॉडल का, मॉडल डॉट ऐड कॉलम और ब्रैकेट में कॉलम नहीं कोई भी देते। तीन कॉलम ऐड करेंगे, जितनी दफा इसको करेंगे इतने कॉलम ऐड होते जाएंगे। वो एलिमेंट किया था ऐड एलिमेंट, ये टेबल पे कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं, ठीक है। अभी डेटा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉलम्स बना रहे हैं। देन जे टेबल वन उसका नाम है, उस पर मैं सेट कर रहा हूँ मॉडल, ये वाला मॉडल जो मैंने बनाया ऊपर इसका वेरिएबल। अब इसको अगर रन करेंगे, बटन क्लिक पे मैंने काम किया, बटन क्लिक पे ये कॉलम्स आ गए, ठीक है। बटन क्लिक वो मॉडल, वो जो डिफॉल्ट मॉडल लगा होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है, पुराना मॉडल रिप्लेस करके मैंने अपना मॉडल लगा दिया। अब इस मॉडल पे हमने कॉलम्स ऐड कर दिए, जितने कॉलम्स चाहे कॉलम, अभी कॉलम्स ऐड, ये कॉलम्स कहलाते हैं, सही। अब इस पे रो ऐड करनी है, रो ऐड करने के लिए हमारे पास किस कॉलम का अलग रो नहीं, एक रो जो होगी ना, रो क्या होती है, वो तीनों को मिला के एक रो बनती है, रोल नंबर नेम और एज। एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगी, एक उसको मिला के एक रो बनेगी या एक रिकॉर्ड बनेगा। तो अब हमें तीन चीजों को मिला के एक रो बनानी है, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें तीन वैल्यूज आ सके, और ऐसा वेरिएबल जो एक से ज्यादा वैल्यू रख सके उसको एरे कहते हैं। तो हमें एक एरे लगाना पड़ेगा किसी भी टाइप का, तो ऐसा वेरिएबल लेते हैं, सब टाइप आ जाती है, या तो ऑब्जेक्ट ले लें या स्ट्रिंग ले लें। मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लेता हूँ, एस इक्वल टू न्यू ऑफ स्ट्रिंग तीन, क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं, रोल नंबर नेम और एज। जीरो पे मैंने रोल नंबर दे दिया, वन पे नेम, टू पे एज, ठीक है। ये एरे बन गया, इसको मैं मॉडल पे ऐड करूंगा एड रो एस, इस तरह, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है, अब इसको रन करूंगा तो कॉलम के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी ऐड होगा, सही। तो ये तरीका है रो ऐड करने का, समझ आया? सर खाली ऐड कर सकते, खाली ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ब्लैंक दे देंगे, ठीक है। अब दूसरी रो ऐड करनी है, तो मैं यहां दूसरा एरे बनाऊंगा एक, एस ऑफ जीरो, मॉडल डॉट एड रो एस टू, दो ऐड करनी है। तो ये लोड पे आप दो रोज ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर मुझे बहुत ज्यादा रोज ऐड करनी हो तो एरे भी मैं एस टू एस थ्री इतने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं। इसका दूसरा तरीका है, इजी है हमारे पास। तरीका ये है कि एरे बनाने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो ये बनाया मेरे ऊपर, ये दूसरा एरे में सेकंड तरीके से बनाता हूं। इस तरह भी बन जाता है, होता है ना, इस तरह ऐड कर दूंगा उसकी जगह, ये भी काम करेगा। सही, इसको मजा आया, नीचे वाला कोड ऊपर वाले को भी इस तरह कर देते हैं फिलहाल। ये दो एलिमेंट हो गए, सही है।
अब हमें ये वेरिएबल जो है ना ये बनाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। इन दोनों में एक और चेंज हम ये कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के लिए नीचे वाले में चेंज करता हूँ, इन दो लाइन की जगह पे कमेंट कर रहा हूँ मैं, इस तरह भी लिख सकता हूँ मॉडल डॉट एड रो, और अंदर ही स्ट्रिंग बना लूँ अनोनिमस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से। यहां से यहां तक एरे बन रहा है जो किसी वेरिएबल में सेव नहीं हो रहा जाके, अब जस्ट रो ऐड होता है डायरेक्ट जाके, अब मुझे वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, इस तरह भी ऐड हो सकता है, जो मैं एस एस वन एस टू ले रहा था ना, वो कितने हम लेते वेरिएबल, ये विदाउट वेरिएबल ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे एफिशिएंट होता है, इसमें मेमोरी बचती है और राइटिंग बचती है, मेहनत बचती है। एक स्ट्रिंग बनाया, उतनी रोज नहीं जितने कॉलम है, और इसको ऐड कर दिया। तीन ऐड कर दी रोज, सही। तो ये टेबल का काम है हमारे पास, सिंपल ऐड फिलहाल, क्लियर, कोई इशू। अब इस पे आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कॉम्बो बॉक्स की तरफ आ जाता हूँ एक दफा वापस। एक चीज उसमें अब बताता हूँ मैं आपको, या हमने अगर एक कॉम्बो बॉक्स ऐड किया है, और इस पे मैंने कोई डेटा ऐड किया है यहां से कंपोनेंट में कहीं भी, डिफॉल्ट कॉम्बो बॉक्स मॉडल सीवी मॉडल फाइंड कर लेते हैं, सीवी मॉडल लिस्ट लिस्ट बताएगी। दोनों में ये काम सेम होगा जो अब मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ नेम कंट्रीज का, ऐड एलिमेंट्स एलिमेंट्स के नाम ऐड करो, फिर लोड हो। अब इस पे जो सेट नहीं किया मॉडल, इस पे जो ये सेट हुआ है ना आइटम्स, इन पे हमने सिलेक्शन वगैरह करके देखी थी। अब इस बटन के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूं कि इसमें जितने भी आइटम हैं उन सबको प्रिंट कर, जितने भी आइटम कॉम्बो बॉक्स में, इसको किस तरह करेंगे है टेक्निक, लिस्ट में सिखाया था जो सिलेक्टेड थे। अब मैं कह रहा हूँ कॉम्बो बॉक्स में जितने भी सब प्रिंट हो जाए, क्या चीज किया। वो तो ऊपर मुझे नहीं पता ना ऐड क्या किया, मॉडल सीबी मॉडल सीबी मॉडल अगर मैं इस तरह प्रिंट करूँ ना वो तो जाएगा, लेकिन देखिए क्या होगा अगर मैं सिर्फ सीबी मॉडल प्रिंट करूँ, फॉल्ट कॉम्बो बॉक्स मॉडल ऑब्जेक्ट, तो हम करेंगे क्या, बिल्कुल एज अ एरर लिस्ट यूज होता है, बिल्कुल एरर लिस्ट की तरह यूज होता है, ऐड वगैरह रिमूव वगैरह। इसी तरह एरर लिस्ट को हम जब आइटरेट करते थे इस तरह से कि एरे डॉट साइज, एरर लिस्ट को जो करते थे इस तरह करते थे,
इसी तरह मॉडल करेंगे, मॉडल या जो भी नाम है मॉडल का, डॉट गेट साइज, ठीक है। अभी क्या करेगा, उस मॉडल के अंदर एक एक वैल्यू लेके आ जाएगा, किस मेथड पे, डॉट गेट पे, गेट एलिमेंट एट आई, गेट एलिमेंट एट ऑफ आई। अभी क्या करेगा, एलिमेंट लेके आएगा आई जीरो पे, देन वन पे, देन टू पे, कब तक, जब तक मॉडल का साइज। सर वो तो लूप लेकर आएगा नीचे में, यहां पे करेगा। हाँ लूप तो चलेगा सर, ये लूप तो हमने सिर्फ रन किया है कितने टाइम्स, जितने उसका साइज है। अब लूप क्या करेगा, लूप का अभी बताया ना ऑपरेशन, लूप क्या करेगा, लूप प्रिंट करेगा सीबी मॉडल में से एलिमेंट को, जो एलिमेंट है आई, जीरो पे, वन पे, देन टू पे, इसको प्रिंट कर देगा। सही, सारे ये एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। एलिमेंट एट लिखा, एलिमेंट एट, एलिमेंट एट, यहाँ पहले जीरो आ जाएगा आई की जगह, एट पूरा एटी एट जो मैंने लिखा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। गेट एलिमेंट वहां करते हैं जहां हमें गेट एलिमेंट नहीं, गेट वहां करते हैं एलिमेंट चाहिए, जैसे एरे लिस्ट में हम सब ये करते थे, गेट लिखते थे, यहाँ गेट एलिमेंट एट लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट पे चलेगा, सही, क्लियर। इसको आइटरेट कर सकते हैं इस तरह से, अब टेबल पे आ जाते हैं वापस। यहाँ एक टेबल बना रहा हूं मैं, डॉट एट कॉलम, करेंसी बाय एनसी, मॉडल डॉट एट रो, जैसे इसको रन करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर पर रखा है मैंने, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, सही। अब इसमें हम देखें कर क्या रहे हैं कि टेबल मॉडल जो है ना, ये मैं बना रहा हूं इस तरह से, रोज ऐड नहीं कर रहा मैं, जस्ट मॉडल बना रहा हूं कंस्ट्रक्टर पे और सेट कर रहा, कॉलम्स बनाए रोज नहीं बनाए, ठीक है। रोज हम कर लेते हैं बटन के ऊपर, यहां पे ऐड कर लेता हूं, इसको ग्लोबल करना पड़ेगा, इसको मैं नीचे से एक्सेस कर रहा हूं, नीचे से मैंने इसको जस्ट रोज ऐड किए तीन, क्योंकि बार बार तीन रोज ऐड कर रहा है, ठीक। कॉलम वगैरह ये सीधे एक दफा चल गई कंस्ट्रक्टर में, ये वाली लाइन बार बार चल रही है, ठीक है।
क्लियर। अब यहाँ पे हम रो ऐड कर रहे हैं, तीन नहीं सिर्फ एक, एक भी हो जाएगी। अब एक जो रो हो रही है ना, इसमें डेटा है फिक्स यूएसडी 102 102 पर, इसकी जगह पे हम यहां ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड्स नीचे, टेक्स्ट फील्ड 1 टेक्स्ट फील्ड 2 टेक्स्ट फील्ड 3। लो टेक्स्ट फील्ड वो आ जाए सर, एक भी ले सकता है, एक टेक्स्ट फील्ड सर, एक टेक्स्ट फील्ड लिखा वो ऐड होगा, फिर अगेन लिखा लेकिन पूरी रो मिला के एक रिकॉर्ड बनता है ना, ये मसला होता है, पूरी रो को मिला के एक रिकॉर्ड बनता है। हाँ एक एक रो का देखो मैं किस तरह इसमें देता हूँ, यहाँ मैंने दी थी करेंसी, ये लेबल लगेगा, और लोड की जगह पे यहाँ इसको दे देते हैं टेक्स्ट फील्ड 1 पे करेंसी का, टेक्स्ट फील्ड 2 टेक्स्ट फील्ड 3। यहां पे मैं ऐड करने में स्ट्रिंग जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, ये बटन के ऊपर कोडिंग कर रहा हूँ, बटन क्लिक होने में ठीक है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट करेंसी बाय और सेल, और इन तीनों की जगह पे अब मैं ये ऐड कर रहा हूं सी बी एस ठीक है, पहले का डेटा यहां जाएगा करेंसी बाय और सेल, अब यहां जो मैंने दिया इस तरह आपने जो बटन काम किए वो सिर्फ माउस क्लिक पे चलना, अभी माउस क्लिक पे चलना, अभी इवेंट्स पढ़ेंगे हम, इवेंट्स हैं अभी, सिर्फ क्लिक किए हैं ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा ऐड कर सकते हैं, सही क्लियर है यहाँ तक सही। अब हम इसमें जो कॉम्बो बॉक्स में हमने काम किया था, क्या प्रिंट करवाए थे सारे आइटम्स, अगर मुझे इसके अंदर प्रिंट कराने हो सारे आइटम्स तो हम कैसे करेंगे प्रिंट, जो लिखे हैं मतलब हमने कॉम्बो बॉक्स में दिए थे सारे आइटम्स, वो सारे प्रिंट हो गए थे एक एक करके, यहाँ पे एक एक करके प्रिंट, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में बहुत सारे काम किए, रिमूव भी किया था, क्लियर भी किया था, ऐड भी किया था ठीक है, हाँ फॉर इससे किया था काफी काम ना, इस पे भी करेंगे, लेकिन इस पे किस तरह होगा प्रिंट पे, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दे सारे आइटम्स। अब इस पे जो मेरा मॉडल था उसका नाम मॉडल ही रखा है मैंने, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन मॉडल डॉट गेट रो काउंट, ये मेथड बताएगा रोज कितनी है टेबल, गेट रो काउंट बताता है कि आपके टेबल में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इतने टाइम लूप चले आई प्लस प्लस, अब दो रोज है दो टाइम चलेगा, तीन रोज है तीन टाइम चलेगा, देन इसका मेथड है मॉडल डॉट गेट वैल्यू एड, ये क्या करता है, ये आपसे रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों मांगता है, इसमें दोनों देने पड़ते हैं। अब जैसे कि आपके पास ये टेक्स्ट है, यहां पे हमने ऐड किया है जो भी ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए यूएसडी तो मैं रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 की रो नंबर 1,
कॉलम नंबर वन का रो नंबर टू तो ईयू आर आ जाएगा सर, और जो आपने ऊपर हेडिंग दी उसको नहीं काउंट करेगा, उसको नहीं, रोज को, दो रोज हेडिंग को नहीं करेगा, ठीक है, वो कॉलम नहीं है, कॉलम नंबर टू का टू ये है। इस तरह से गेट वैल्यू करनी पड़ेगी। अब गेट वैल्यू एड में हमें दो आर्ग्यूमेंट इस तरह देने, गेट वैल्यू एड पहले रो नंबर देन कॉलम नंबर, तो मैं रो नंबर दे रहा हूं आई, आई से मतलब है पहले जीरो रो देन वन रो देन टू रो, और कॉलम नंबर दे रहा हूं जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, कॉलम भी जीरो से, रो भी जीरो से, जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे एरे होता है ना इस तरह। अब गेट वैल्यू एड जीरो जीरो वन जीरो इस तरह अगर मैं कर रहा हूं तो ये प्रिंट आउट क्या करेगा, यहां मेरे पास लूप लगा दिए रो के लिए, एक एक रो लेके आए जो भी डेटा है मेरे पास, प्रिंट में ये फर्स्ट रो का जीरो कॉलम, जीरो वन रो का जीरो कॉलम, टू रो का जीरो कॉलम, तो जीरो कॉलम्स ला रखा है। अगर मुझे वन लिखूंगा तो ये वाले आ जाएंगे, टू लिखूंगा ये वाले आ जाएंगे, जीरो रो की जीरो कॉलम की सारी रो गया है, फिर एक एक करके लिखना पड़ेगा। कैसे, कि ये एक रो है ना, अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं प्लस मॉड्यूल डॉट गेट वैल्यू एट आई वन एंड आई टू, जीरो कॉलम वन कॉलम और टू कॉलम इस तरह एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दो, आई रो के आई रो जीरो वन टू थ्री। अब यहां जो भी मेरा डेटा है प्रिंट पे कर दो एक ही लाइन में, तीनों कर दिया ऐसे, तीनों क्योंकि मैंने तीन दफा मेथड लगा दिया ना, गेट वैल्यू एट आई जीरो, गेट वैल्यू एट आई वन, आई आई रो भी सेल नंबर कॉलम नंबर भी पिक करता हूँ। ऊपर वाली सिर्फ लाइन, उसके लिए फिर ये आई की जगह पे डायरेक्ट रो नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ इसको हटा के लूप नहीं लगेगा, आई की जगह सिर्फ जीरो लिख देंगे तो जीरो रो आ जाएगी, वन लिख देंगे तो सिर्फ वन रो करेगा, लूप का मतलब है सारे रो देख रहे हैं, सही इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये एकदम टेबल का मॉडल सेट किया, तो ये भी नहीं हो सकता, कुछ एडिट हेडिंग नहीं हो सकता, इसका मतलब ना एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट टेबल मॉडल, हाँ ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल किया मैंने इंपोर्ट, ये हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा हुआ है, ये javax.swing.table.defaultTable मॉडल ये ऑब्जेक्ट मैंने इस तरह से बनाया कि मैं ग्लोबल बना रहा हूँ उसको बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, पूरा सर ऊपर दे दीजिए, पूरा ऊपर नहीं दे सकते सर, हाँ ये लाइन पूरी ऊपर दे सकते हो, ये इसका कोई इशू नहीं है, ये वाला लाइन पूरी ऊपर दे दो, ये दोनों जगह सेम काम करती है, ये एड कॉलम वगैरह ही देना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं चलेगा क्लास, ये दे सकते हो आप ऊपर दे सकते हो, नो इशू, सही है। इसमें कंस्ट्रक्टर में इसलिए दिया है कि एक ही दफा करेगा, अगर ये बटन पे रखता मैं तो इसमें देखो क्या होता, ये कोड इस पे बटन पे रख रहा हूँ ऐड करके, अक्सर स्टूडेंट मेरे ऐसे करके लाते हैं फिर कहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, ये उसमें होगा क्या, बल्कि ये कोड भी नहीं वो ये वाला, यहाँ से मैंने अगर बटन पे रखा भाई करेंसी ऐड की कॉलम के साथ ऐड होते जा रहे, ये ऐड होते जाएंगे कॉलम, ये कॉलम के साथ ऐड होते जा रहे ना,
कॉलम एक दफा ऐड कर हो इसलिए कंस्ट्रक्टर में रखें या सेटअप। हेडिंग एक दफा ही होगी, बाकी है रो बार बार होगी, रो बार बार है सही। अब प्रिंट आउट में मैंने इस तरह प्रिंट किया है तो खाली मैं ये भी प्रिंट कर सकता हूँ ना कि खाली बाय के रेट प्रिंट हो जाए, वन लगा दे सिंपली बाय वाले, खाली जो बाय वाले रेट है वो प्रिंट हो जाए। जो भी है मेरा प्रिंट पे खाली बाय वाले रेट हो जाए सही है, ये सेल वाले भी खाली हो जाए फिर कर सकते हैं सेल। इसी में अमेंडमेंट करके हम अगर ये करें कि ये जो बाय है सारे इन सब का टोटल दिखा दे नीचे, सम जैसे हम एरेज वगैरह में करते थे। इससे पहले एक वेरिएबल इंटीजर सम इक्वल टू जीरो और ये पूरा सम में आ जाएगा लेकिन कन्वर्ट होगी, सम प्लस इक्वल टू ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में इंटीजर में करना पड़ेगा। पार्ट्स एंड हम इस तरह जो करते हैं ना उसको डॉट पार्ट्स एंड, इस तरह एक मसला आता है कि ये है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से पार्ट्स नहीं होता है इंटीजर स्ट्रिंग्स हो जाते हैं, स्ट्रिंग्स आ जाते हैं ऑब्जेक्ट से नहीं आता, तो हमें इसको दो दफा कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग में देन इंटीजर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सर, ऑब्जेक्ट कोई भी सर, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में आ जाता है, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में आ जाता है string dot value of, क्योंकि integer dot parsing सिर्फ string लेता है इस तरह। अब ये पहले string में करेगा then integer में करेगा और sum में plus कर देगा value और नीचे print करूँ या मैं एक label ले लेता हूँ, label में set कर देता हूँ sum के label 4 पे sum की value आ जाए, ये label 4 dot set text sum लेकिन sum integer, अब उसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा सेम तरह, यहाँ कन्वर्जन हमारी काम आता है। सम इंटीजर है ना, सेट टेक्स्ट इंटीजर में नहीं करता स्ट्रिंग में करेगा, तो अब प्रिंट नहीं करेगा, अभी इस पूरे का सम दे देगा मुझे, जैसे प्रिंट करूंगा तो ये इन दोनों का सम दे देगा और कोई वैल्यू इन तीनों को समझे थे बाय बाय वाले कॉलम कि मैंने बाय कॉलम में पिक किया 5 4 4 13 सर वो आपने लेबल में रखा है, लेबल में सेट टैक्स किया ना इसलिए यहाँ देना सही है। तो इस तरह से कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं इसमें। ये काम हम एरे में करते थे, एरे लिस्ट में करते थे, अब ये फर्क है कि नजर आ रहा है डेटा उसमें कर रहा है, पहले एक लॉजिकल डेटा होता था उसमें करते थे तो नजर आता हुआ आसान होता है ज्यादा, है ना, नजर आ रहा है उसमें कर सकते हैं सही है। ये काम अगर मैं बटन प्रिंट पे कर रहा हूँ इसकी जगह एडिंग के वक्त करूँ, जहाँ ऐड हो रहा है ना ऐड के फौरन बाद करते तो ऐड करते ही सम बता देगा, इसी बटन पे ऐड करेगा नीचे सम बता देगा ऐड करते ही। मैंने ऐड के बटन पे लगा, ऐड करते ही सम बता, दोनों काम हो गए, दोनों काम इसमें कोडिंग ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद सम करेगा ठीक है। और अगर मुझे रिकॉर्ड्स काउंट करने कितने हैं तो गेट रो काउंट है वो बता देगा कितने रिकॉर्ड्स हैं, गेट रो काउंट बता देगा 2। अगर मुझे ये प्रिंट कराना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो गए तो वो गेट रो काउंट में प्रिंट कराऊंगा। सेल भी कर सकते हैं बिल्कुल, नीचे एक और लेबल लगा दें सेल का, चेंजिंग क्या होगी बस मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 करना पड़ेगा, सेकंड सेल का उठा के लगा, दोनों कर सकते दोनों हो जाएंगे जो जिस तरह की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं इसमें सही है। तो इसके बाद हमारे पास है टेबल को एम्प्टी करने के लिए, क्लियर करने के लिए इसी बटन को यूज कर लेते हैं, इसका काम नहीं हो रहा, इसको मैं कर लेता हूँ
क्लियर टेबल नाम से, वहां मेथड होता था रिमूव ऑल एलिमेंट, यहां है मॉडल डॉट सेट रो काउंट जीरो, जो उसका रो काउंट है वो जीरो करता है, वो क्या करता है सारी टेबल्स एम्प्टी कर देगा। टेबल कंटेंट जब हम करते हैं वहां भी यही करते हैं ना, कि जब नेटवीक से कर रहे थे तो जहां ये रोज थी, ये रो काउंट फोर है, इसको कम कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये रो काउंट में जीरो कर रहा हूं इसका, सेट रो काउंट जीरो, क्लियर है। तो इस पे जो भी डेटा होगा ना वो क्लियर हो जाएगा रो काउंट। और एक्सेप्शन इसलिए इवन कन्वर्ट किया नंबर, क्लियर ऑल क्लियर, ठीक है। हाँ अब ये तो हो गया सिंगल ऑल क्लियर है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर रो को क्लियर करना है, तो उसके लिए आपके पास मेथड है इसमें मॉडल डॉट रिमूव रो और रो का नंबर। अभी मैं जीरो वाली रो को क्लियर करता हूँ, ठीक है, जो जीरो रो है उसको क्लियर करता हूँ, खुद नंबर देना पड़ेगा। हमारे पास ये है, इसमें मैंने जीरो वाली रो को क्लियर की है फर्स्ट, ठीक है, तो जीरो। तो ये यहां से करना हो, अब ये काम हमें ऐसे करना हो कि इस तरह ना हो, जो सिलेक्ट करो रो वो क्लियर, वो डिलीट हो, सही। अब रो नंबर हम खुद नहीं दे रहे, रो नंबर हम ऐसे देंगे कि इस पे डिलीट पे क्लिक करो, जो सिलेक्ट हुआ होगा ना वो डिलीट हो। तो हम रो काउंट में मेथड लगाएंगे, वहां हम लगाते थे जे कॉम्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, यहां लगेगा जे टेबल वन डॉट गेट सिलेक्टेड रो। गेट सिलेक्टेड रो आपको सिर्फ रो का नंबर रिटर्न करता है जो रो सिलेक्ट हुई थी, और कुछ भी नहीं, सिर्फ रो का नंबर रिटर्न करेगा इंटीजर में। तो ये इस रो को रिमूव कर देगा जो सिलेक्ट हुई थी, अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो माइनस वन करेगा। मैं इस वाली रो को डिलीट कर रहा हूं, लास्ट वाली को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, सही, जो सिलेक्टेड है वो रिमूव होगी। सेट रो काउंट जीरो, सेट रो काउंट जीरो। अब इसमें अगर मुझे लास्ट है कि प्रिंट करानी हो जो सिलेक्ट हुई हुई रो वो वाली, तो कैसे होगी आईडिया, सिर्फ उसका करेंसी नेम प्रिंट कराना होगा, हाँ, जो सिलेक्ट हुई हुई, मतलब ये तो रिमूव का हो गया ना, इसको हटा रहा हूं, रिमूव नहीं करना, प्रिंट कराना है। तो ये चीज प्रिंट तो रख देना ना, कौन सी गेट सिलेक्टेड रो प्रिंट कर देना, अगर मैं इसको प्रिंट में ये टेबल वन डॉट गेट सिलेक्टेड रो रखता हूँ, तो ये तो रिटर्न करेगा मुझे उस रो का नंबर, मैं कोई भी रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट की ना तो इसका नंबर प्रिंट करेगा वन, या ये सिलेक्ट की तो जीरो, मुझे चाहिए ये करेंसी, ये कैसे पिक होगी, गेट वैल्यू एड मेथड, ठीक है। अब इसमें मैं इसकी जगह पे ये लिखूंगा गेट वैल्यू एड, यहां हम रो का नंबर दे रहे थे आई, अब उसकी जगह पे सिलेक्टेड रो एंड या जीरो, अब ये नंबर जो है ना ये खुद पिक करेगा, ये जीरो देगा कॉलम का पहला, क्योंकि मुझे सिर्फ करेंसी चाहिए, तो ये करेंसी पहले कॉलम पे, रो का नंबर अभी खुद पिक करेगा जो सिलेक्टेड है,
अच्छा जो फर्स्ट कॉलम का काम कर रहा है, फर्स्ट कॉलम सिर्फ मैं फर्स्ट कॉलम हम कोई भी रो सेलेक्ट कर लें बिल्कुल, उसका जीरो कॉलम नेम देगा सर। तीन ब्लॉक्स बना हुआ है, 0 1 2 0 1 से काउंट कर रहा है कॉलम ऐसे, वो ऐसे एक तीनों को एक पूरी एक रो, हां मतलब इसमें तीन पार्ट्स हो गए उसको एक ही रो, एक एक रो एक रो और कॉलम ऐसे करेगा। अभी मैंने तीन डेटा ऐड किए, इस पे क्लिक करके प्रिंट करूंगा इसका नाम, सही इस तरह से प्रिंट कर रहा भाई। तुम क्या आगे काम आना ये बात हो सकता है बिल्कुल, जैसे पहले किया कॉमा देके नहीं वो आगे प्लस करके कॉन्केट करके जो मैंने किया था पूरी रो प्रिंट कर देगा इस तरह से, सही है। तो इस तरह से टेबल्स पे काम होंगे हमारे, और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो टेबल में सारा डेटाबेस का रिकॉर्ड टेबल पे आएगा, डेटाबेस सारा ऐसे भी चलेगा ना, सही। तो ये तीन चीजें थी हमारे पास, ये एंड है। इसके बाद थोड़ा सा फ्रेम्स पे काम है, फिर क्रोस पे काम है, फिर मेन्यूज और टूल्स बार है, फिर हमारे दूसरे टॉपिक स्टार्ट होंगे फाइलिंग के, डेटाबेस के, थ्रेडिंग के, और 25 है वैसे आपकी लास्ट डेट जनवरी हो जाएगा। तो ग्राफिक्स तो आपका ये है ना एंड तक चलेगा, लास्ट तक डेटाबेस भी इसी में आएगा, थ्रेडिंग भी इसी में आएगी, और स्ट्रीमिंग भी इसी में आएगी। डेटाबेस में क्या चीज़ आएगी? डेटाबेस में आपके पास आएंगी जो डेटा